Hey guys, welcome back in YouTube channel निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूँ नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे लखन और सपना के बारे में। तो फाइनली जिस व्लॉग का काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुका है। जैसे कि हमने पहले आपको अपडेट दी थी कि लखन गए हैं सपना से मिलने के लिए और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो कि काबिले तारीफ है। सपना के साथ मिलकर उन्होंने करवाई है FIR। यह हमने आपको पहले ही दे दिया था। कॉपी में भी जो मेंशन था वो भी आपको दिखा दिया था। होप आप वो वीडियो देख चुके होंगे। लेकिन फिर भी लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या ये सच में है, क्या कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि जो व्लॉग होते हैं वो हमेशा कुछ दिन लेट चलते हैं, इस वजह से शायद ये लेट आया है। प्लस जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें भी टाइम लगता है, जिस वजह से शायद ये चीज़ें अभी नहीं बताई गई। जैसे कि लखन ने अपने ब्लॉग में कहा कि जल्दी हम आपको यानी कि कल को कुछ बड़ी बात बताएंगे, बड़ी न्यूज़ देंगे, तो शायद यही वो न्यूज़ देने वाले हों कि FIR हो चुकी है। अब ये तो उन पर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कितनी जल्दी डिक्लेयर करेंगे कि अभी बता देंगे या फिर बाद में बताएंगे। बट जब भी बताएंगे वो अपने हिसाब से बताएंगे। हमने आपको एज अ न्यूज़ वो चीज़ पहले ही बता दी थी। आज का जो व्लॉग था लखन का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव व्लॉग था क्योंकि उसमें सपना ने काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट किया। अब लोग ये सोचते थे कि सपना कब तक रोती रहोगी। हालांकि देखिए वो उनका टाइम ही ऐसा चल रहा है कि वो अभी इतनी जल्दी स्टेबल नहीं हो पाएगी, बट लाइफ में बहुत सी चीज़ें वो सीख रही है, बहुत सी चीज़ें वो कर रही है और हम तो यही कहेंगे कि कितनी पॉजिटिवली वो इस चीज़ों को अब ले रही है और इन चीज़ों को कर रही है, अपनी फैमिली को कितनी अच्छी से संभाल रही है। और ये भी देखने के लिए मिला क्योंकि वो एक माँ का जो प्यार है ना वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे बेटी की शादी हो जाए या कुछ भी हो जाए। कहते हैं कि शादी के बाद सास ही माँ बनती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया कि शादी के बाद भी माँ ही अपना फ़र्ज निभा रही है, बाकी तो सभी अपना फ़र्ज भूल गए हैं। वहीं पर जब भी अपना हक मांगने की सपना की बारी आती है, जब भी ऐसा कुछ आती है तो हेट कमेंट्स की बारिश हो जाती है। अब ये चीज़ों का कल मैंने वीडियो बनाई थी जिस पर काफ़ी लोगों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ है ज़रूर। जी ऐसा कुछ है ज़रूर कि जब भी सपना के हक मांगने की बारी आती है या कुछ आती है इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है जिससे कि सपना को अपने पैर जो हैं वो पीछे लेने पड़ते हैं। हालांकि फ्यूचर में अगर सपना का कभी ऐसा कुछ दिल करे, उसको जो ज़रूरत लगे, तो उसमें भी सभी उनके साथ में खड़े होंगे क्योंकि उनका ना सिर्फ कानूनन अधिकार है बल्कि उनको मिलना भी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि देखिए उनके साथ जो सास ससुर है उनका भी कोई अब सहारा नहीं है, जो है ये लोग हैं। हालांकि ये लोग घर से अब बाहर हैं, इनके साथ नहीं हैं, पर इनका ही हक बैठता है, इनको ही देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो न्यूज़ सामने आ रही है कि वो लोग किसी को साथ रखने वाले हैं जो कि जिसके पास अब शायद ये सब चीज़ें जाएगी। और वो साथ रखने वाला शख्स कौन है? क्या वो अंशु और उसके मम्मी पापा हैं या फिर अंशु के ताऊ के बेटे हैं जिनकी अपनी एक जो है बेटी भी है, ताऊ के बेटे की बेटी भी है और उनकी वाइफ भी है, तो यानी कि उनका भी परिवार पूरा है। उनका परिवार जब भी देखा गया था, जब सपना कहीं शादी में गई थी और उनके सास ससुर भी गए हुए थे, सास गई हुई थी शादी में और वो लोग छोड़ने के लिए आए थे। इतना ही नहीं, जब ये कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो शुरू हुई, जब एलिगेशन लगाए गए थे सपना के द्वारा अंशु के पापा के बारे में, जो पोल खोली गई थी, तब भी वो ही शख्स सामने आया था जिसको काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ी थी। इतना ही नहीं, उनके जो कमेंट सेक्शन में है उसमें लोग बोल रहे हैं सपना की पोल खोलो, सपना की पोल खोलो, और वो लोग इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कि हाँ उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस तरीके का आ रहा है, बट वो लोग चुप हैं क्योंकि ना तो उनके पास सबूत है और उनको भी पता है कि अगर वो लोग बोलेंगे, क्योंकि सपना के पास हर एक चीज़ का सबूत है, अगर वो लोग बोलेंगे तो सपना काउंटर अटैक कर सकती है और अगर ऐसा करेगी तो जितनी बची कुची जो उनकी है इमेज वो भी यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। लेकिन यही कहते हैं बाबू भैया पैसे का चक्कर, पैसे का चक्कर, ये इतना ज़्यादा बुरा है ना कि एक फैमिली को किस तरीके से तोड़ देता है। इससे तो अच्छा ऐसा लगता है कि गरीब होना ज़्यादा अच्छा होता है कि भाई जितना आ रहा है उतना कमाओ, जितना खाना है उतना खाओ और बस। ये ऐसा लगता है कि वही रिश्ते ज़्यादा दिनों तक टिकते हैं जिनके पास में अपार पैसा नहीं होता।
यहाँ पर सिर्फ पैसे की लड़ाई है। अगर सास ससुर के पास में इतना पैसा नहीं होता ना, तो सपना के अलावा कोई उनको पूछ ना रहा होता, कोई उनकी इतनी ज़्यादा कदर ना कर रहा होता, और फिर सपना ही उनका इकलौता सहारा होती और सपना ही वहाँ पर होती। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है हमारे समाज की। जब तक किसी के पास पैसा होता है और लोगों को मौका मिलता है, जब तक लोग उसे नोचते हैं, उसके अपने होते हैं, जहाँ पैसा ख़त्म मतलब ख़त्म। यही सच्चाई है आज के समाज की, क्या कर सकते हैं। खैर, दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि इस बार लखन के साथ में जो उनकी वाइफ है वो नहीं गई, और लखन जो है वो होटल में रुके हुए रात। बहुत से लोगों ने, बहुत से लोगों के कुछ कुछ टूचे मूचे छोटे मोटे लोगों ने उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे, उनके रिश्ते के ऊपर। मैं एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर मानूंगी, जिस तरीके से सपना के घर वाले जो लखन है उनके साथ बिहेवियर करते हैं, वो एक बेटे वाला बिहेवियर है। सपना और जो लखन का जो रिलेशनशिप है ना, वो इस आंधी में भी नहीं टूटा है। और जिस तरीके से लखन सपना के साथ खड़े हुए ना, एक पिलर की तरीके से, अगर यहाँ पर लखन सपना के साथ नहीं होते ना फिलहाल सोशल मीडिया पर, तो कुछ लोग उनको नोच के खा जाते। ये बात सच है। जहाँ पर एक तरफ ना सिर्फ उन्होंने भाई बहन के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से निभाया है, हालांकि शुरू में लग रहा था कि क्यों 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 बोल रहे हैं इतना, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने निभाया है ना अपना रिश्ता, वो सच में काबिले तारीफ है। अगर यहाँ पर सपना के साथ लखन नहीं होते, तो आप सोचो सिचुएशन कितनी क्रिटिकल यहाँ पर हो जाती उनके लिए। अब आप कहेंगे कि शायद उस वक्त एलिगेशंस भी ना लगते, लेकिन वो लोग मंदबुद्धि होते हैं जो भाई बहन के रिश्ते को इस तरीके से देखते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, वो लोग मंदबुद्धि होते हैं। जिस तरीके से रिश्ता निभाया जा रहा है, जिस तरीके से रिश्ता दिखाया जा रहा है, वो सच में काबिले तारीफ है, और उसकी तारीफ करनी बनती है। अगर ये चीज़ें ऐसी ना होती, अगर ये लोग मिले हुए ना होते, तो बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन अलग होती। अभी सपना जो कर पा रही है ना सोशल मीडिया पर, वो सबसे बड़ी ताकत है लखन, उसके बाद उनके सब्सक्राइबर, उनको फॉलो करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले। रिएक्शन चैनल वाले अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले जानते हैं कि सपना क्या है। रिएक्शन चैनल वाले इतने ज़्यादा लोगों को, व्लॉगर्स को अब्जॉर्व कर चुके हैं ना, कि उनको पता होता है कि कहाँ कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए नए उठ के आते हैं, एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि कितनी सच्चाई दिखाई जा रही है, क्या चीज़ें दिखाई जा रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही रिएक्शन देना नहीं होता, वो जस्ट इसलिए वहाँ पर आते हैं कि उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं। लेकिन जो रियल में रिएक्शन देने वाले हैं और काफ़ी टाइम से दे रहे हैं ना, वो बहुत सोच समझ के चीज़ों को बोलते हैं, वो बहुत सोच समझ के करते हैं, और वही चीज़ें जो करते हैं, वो सपोर्ट जो करते हैं, वो पिलर बनता है कुछ लोगों का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। अब रिएक्शन के चैनल नाम पर कुछ भी बोला जाता है, उसका कुछ भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरीके से इन्होंने लीगल जो कार्रवाई है वो की है ना, वो सच में अगर कुछ भी किसी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं, वो हर एक को करने चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया आपकी जागीर नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दो आके। गलत को गलत, सही को सही बोलने वाला यहाँ पर बहुत कम होते हैं। वो बोलो एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी मत बोलो बनाकर, वो एक बहुत बुरी बात है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। होप कर में कॉल आ गई थी, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, और जहाँ पर भी इस तरीके के गंदे कॉमेंट्स देखे, जैसे कि मैं जिन पर पॉइंट आउट मैंने किया है, तो प्लीज़ उन कॉमेंट्स को रिप्लाई ज़रूर दी कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।